हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कई बार ये होता है कि हम अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करते हैं और वो प्ले स्टोर हमारे फ़ोन में काम नहीं करता है। कहने का मतलब है, या फिर ऑफलाइन बताता है, या फिर आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपके फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ से सिंपली कट कर देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रेस करना है और ऐप इन्फो पर सिंपली क्लिक करेंगे, स्टोरेज पे जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्लियर, ठीक है, स्टोरेज, ठीक है। इस पर आपको दोनों पे सिंपली क्लिक करके और आपको ये क्लियर कर देना है इस तरीके से, ठीक है, देख पा रहा है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सिंपली यहां से बैक करना है, फिर बैक करना है और जो आपका फिर प्ले स्टोर है वो यहां पर समझो काम करने लगेगा, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं होता है तो आपको करना क्या है, एक सेटिंग्स और मिल जाती है आपको यहां पर, दोनों सेटिंग्स के द्वारा आप कर सकते हैं। आपको अपने फ़ोन में जाना है और आपको सेटिंग्स में सर्च बार में लिख देना है ऐप मैनेजर, ठीक है, या फिर मैनेजमेंट, ठीक है, देख सकते हैं ऑल ऐप्स। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, ऐप लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा ऐप अपडेट, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो जो भी अपडेट होगा वो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपडेट कर लेना है, ठीक है, जैसे कि इंस्टॉल, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ से बैक करना है। अगर इसी तरीके से आपका प्ले स्टोर अपडेट मांगता होगा तो वो भी आपको इसी में ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ऐप लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर सर्च बार का भी ऑप्शन मिल गया है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं। सर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख लेंगे प्ले स्टोर, ठीक है, यह है। उसके बाद में आप स्टोरेज पे जाएंगे तो आप यहाँ से भी क्लियर डाटा कर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेटिंग्स थी और उसके बाद में आप यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, आपके फ़ोन में ईमेल होगी तो ये ऑटोमेटो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, और नहीं है तो ये आपको यहाँ पर ईमेल डालना होगी, और नहीं है तो आपको अपनी इसमें मेल डालकर और आप यहाँ पर ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है और आप यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर व्हाट्सएप देख लेता हूँ अपडेट आया है कि नहीं आया है, ठीक है, जैसे कि अपडेट आ चुका है तो चलिए मैं यहाँ से सिंपली इसे अपडेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका प्ले स्टोर है वो पूरी तरीके से काम करने लगेगा 100%, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।